अक्सर आपने आरोपियों को थाने के हवालातों में बंद होते हुए देखा होगा, लेकिन सीतापुर की सदर तहसील में बने हवालात में राजस्व की टीम ने एक शख्स को लाकर बंद कर दिया। क्यों इस शख्स को हवालात में बंद किया गया, वो भी सदर तहसील में बने हुए, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत, कौन वो शख्स है जिसको जो राजस्व की टीम है उसने सदर तहसील में बने हवालात में बंद कर दिया? क्या उस पर आरोप था, कौन सी बकायेदारी थी और क्या नाम है उस शख्स का? हाँ बिल्कुल प्रियांशु, सही कहा आपने कि अक्सर लोग जो हैं वो थानों के हवालातों में बंद आरोपियों को देखते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि सीतापुर जनपद की सदर तहसील में बने हवालात में एक बड़े बकायेदार को बंद किया है। जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार जो बड़े बकायेदार हैं उनके लिए कुर्की कराती है, उनको रिकवरी के लिए नोटिस भेजती है और ऐसे जो बड़े बकायेदार हैं उनको गिरफ्तार कर उनके ऊपर उचित कार्रवाई भी करने की कार्रवाई करती है। फिलहाल सीतापुर जनपद में यह मामला सामने आया है, क्योंकि जब प्रियांशु चाहे बिजली विभाग की रिकवरी हो, चाहे परिवहन विभाग की रिकवरी हो, चाहे बैंक की रिकवरी हो, तो सबसे पहले वो रिकवरी के लिए नोटिस जाती है तहसील के पास, तहसील अपनी आरसी जारी करती है और नियमानुसार कर बकायेदार पर कार्रवाई करती है। इसी के चलते सीतापुर जनपद के नैमिष मिश्रा पुत्र रामलोटन, ये केशव ग्रीन सिटी सीतापुर के रहने वाले हैं और इनको आज जो है सदर तहसील में बने हवालात में बंद किया गया है, क्योंकि इनके ऊपर करीब प्रियांशु 25 लाख रुपए का बकाया था। तो ये बड़ी बकायेदारी थी और ये बकायेदारी इसकी थी कि बैंक ऑफ इंडिया, तो इन्होंने जो है नैमिष मिश्रा ने बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले रखा था जिसके लिए इन्हें बैंक के द्वारा भी नोटिस दी गई और जब ये पैसा नहीं दे पाए तो बैंक के द्वारा जो है वो तहसील सदर तहसील में इसकी इसके लिए जाती है पूरी रिकवरी के लिए, तो फिर उस रिकवरी पर इन्हें जो नैमिष मिश्रा है केशव ग्रीन सिटी के रहने वाले इन्हें नोटिस जाती है। तो आज जिलाधिकारी जो अभिषेक आनंद है इनके निर्देश पर इस बड़े बकायेदार को जो है सीतापुर की सदर तहसील के बने हवालात में गिरफ्तार किया है। फिलहाल अब आपको बता दें कि ये बकायेदारी किस चीज़ की है, क्योंकि नैमिष मिश्रा जो हैं ये बैंक ऑफ इंडिया से इन्होंने लोन ले रखा था और इन्होंने दो फर्में बना रखी थी, एक अपनी पत्नी के नाम जो अर्चना मिश्रा हैं इनके नाम से ये प्रोप्राइटर थी और जो फर्म थी वो मैसर्स खाटू श्याम ट्रेडर्स, तो खाटू श्याम ट्रेडर्स के जो फर्म थी वो चलाते थे और लीला फर्म ट्रेडर्स, लीला जो ट्रेडर्स थी वो दो फर्म चलाते थे। तो खाटू श्याम ये अपनी पत्नी के नाम से अर्चना मिश्रा के नाम से चलाते थे, इस पर इनकी बकायेदारी 16,35,256 रुपए थी और जो लीला ट्रेडर्स थी इस पे इन्होंने 9,43,046 रुपए इनके ऊपर बकाया था। तो ये दो बड़ी बकायेदारी थी और खाटू जो श्याम ट्रेडर्स है इस पे ये टाइल्स का काम करते थे और लीला ट्रेडर्स पर ये गिट्टी मोरंग सीमेंट और सरिया का काम करते थे, जिसके चलते जब ये बैंक का पैसा नहीं दे पाए थे तो राजस्व विभाग के द्वारा इनसे रिकवरी की गई और जैसा कि इंडिया ने जा करके पूरी जांच पड़ताल की, जांचा गया कि आखिरकार ये रिकवरी कैसे क्या होती है, तो नायब तहसीलदार अतुल सेन सिंह ने भी बताया कि इन्हें कई बार नोटिस दी जा चुकी थी, नोटिस का जवाब इन्होंने दिया, उसके बाद कहा कि हम दे देंगे, फिर उनको समय मांगा, एक महीने का समय दिया गया, लेकिन इधर ये करीब 1.5 से 2 महीने तक का कोई भी पैसा नहीं दे रहे थे और तहसील की कार्रवाई से बचते हुए नजर आ रहे थे। कई बार इनके घर पे भी जो है कुर्की का आदेश भी भेजा गया, तमाम तरह की राजस्व विभाग जो प्रक्रिया प्रियांशु करती है वो नोटिस भी दी गई और उसी के बीच इन्होंने जो है कोई पैसा नहीं जमा किया गया, जिसके चलते आज इन्हें जो है हवालात में लाकर यानी कि नैमिष मिश्रा को सदर तहसील के हवालात में बंद कर दिया। प्रियांशु जी, हम आपको वो वीडियो सुना देते हैं जिसमें नायब तहसीलदार ने पूरी कार्रवाई के बारे में बताया है। एक नैमिष मिश्रा जी हैं, रामलोटन पुत्र रामलोटन, केशव ग्रीन सिटी सीतापुर के निवासी हैं। इन्होंने, उनकी वाइफ अर्चना मिश्रा, इन दोनों ने लगभग बैंक ऑफ इंडिया से 25 लाख का लोन लिया था। एक साल से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे और कि लोन की अदायगी कर दें और कई नोटिसें दी गई, जितने भी जो कार्रवाई होती है हम लोगों ने पूरी की थी, कुर्की का भी आदेश हम लोगों ने जारी किया है। उसके बाद कई बार हम लोगों ने कोशिश किया, पिछले महीने इनके घर भी गए थे, इन्होंने एक महीने का समय लिया था और एक महीने का समय हम लोग दिए, उसके बाद जब फिर आज गए तो उन्होंने इनके द्वारा कहा गया कि हम 10,000 रुपये भी नहीं देंगे, जो करना हो कर लीजिए। तो इस तरह की बात कही गई और तो मतलब इनका इरादा बिल्कुल पैसा वापसी का, अदायगी का, लोन अदायगी का नहीं है। तो उसी संदर्भ में चूँकि हम लोगों ने ऑलरेडी गिरफ्तारी वारंट और जो प्रपत्र हैं आवश्यक वो सब जारी कर रखे थे, तो उसी के क्रम में हम लोगों ने इनको आज जो तहसील में हमारा हवालात है उसमें बंद करने का कार्य किया है। इनकी दो फर्म थी, एक थी मेजर्स लीला ट्रेडर्स और खाटू श्याम ट्रेडर्स। खाटू श्याम ट्रेडर्स इनकी वाइफ अर्चना मिश्रा के नाम पर है, जिन्होंने 16 लाख लोन लिया था, और लीला ट्रेडर्स जो है ये इनके नाम पर है नैमिष के,
इन्होंने 9 लाख का लोन लिया था, तो टोटल लगभग 25 लाख का लोन था इनके ऊपर जिसकी अदायगी इनके द्वारा नहीं की जा रही थी। कुर्की का आदेश है, अभी इनको हमने हवालात में किया है। हम लोगों ने कहा है कि मतलब आप कुछ पैसा इसमें जमा करिए और 20% 25% ही जमा कर दीजिए, उसके बाद फिर हम आपको समय दे देंगे, लेकिन कुछ आप पैसा जमा करिए, चूँकि सरकार की प्राथमिकताओं में है कि जो बाकीदार हैं उनसे वसूली का कार्य किया जाए। हर एक मत के कई मत हैं, बैंक का है, स्टाम्प है, न्यायालय है, परिवहन है, वाणिज्य कर हैं, कई दे हैं, तो उस सब में अलग अलग आर्थियाँ थी जिसपे जितने अमीन हमारे हैं, हम नए तहसीलदार लोग हैं, हम लोग उस पर वसूली की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, तहसील द्वारा की जा रही है, माननीय DM साहब के निर्देश के क्रम में। तो प्रियांशु, आपने सुना कि किस तरह से नायब तहसीलदार अतुल सेन सिंह ने बताया कि जो ये कार्रवाई की गई है नैमिष मिश्रा के ऊपर, ये 2 फर्म चलाता था और खैराबाद में इसका एक ढाबा भी है मिश्रा के नाम से, वो भी चलता है, लेकिन इसके पैसा होने के बावजूद भी ये बैंक का पैसा नहीं दे रहा था, जिसके चलते बैंक की रिकवरी की नोटिस आती है और नायब तहसीलदार के द्वारा कुर्की के आदेश भी जारी कर दिए जाते हैं, जिसके चलते ये कार्रवाई से बचता रहता है और आज ये जो है राजस्व की गिरफ्त में आता है, जिसे सदर तहसील में लाकर बंद कर दिया जाता है। जी निशांत, एक जानकारी और चाहेंगे, जब इन्हें सदर तहसील के हवालात में बंद किया गया तो अक्सर देखा जाता है कि बैंक कर्मी होते हैं, जो राजस्व के कर्मी होते हैं, जैसे आपके ऊपर 25 या 26 लाख रुपया बकाया है, तो इसने क्या कोई बात कबूली है कि हम आपको धीरे धीरे करके या इतना रुपया जमा करेंगे, तो क्या ऐसे में कोई सुलह समझौता हुआ है कि अभी नहीं हुआ है? हाँ प्रियांशु, बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी भी जो है, अभी मैं तहसील खुद आई इंडिया की टीम खुद तहसील गई थी और वहाँ पे बातचीत नायब तहसीलदार से की, तभी ये बाइट प्रोवाइड हो पाई है। और जो ये जो नैमिश मिश्रा, इससे बात हुई, इसने कहा कि मुझे समय दिया गया था लेकिन नहीं जमा कर पाया हूँ और अभी बताता है कि समय मेरे पास है, लेकिन जो बैंक का जैसा कि आपने कहा कोई सुलह समझौता वो अभी नहीं हुआ है, क्योंकि प्रियांशु काफ़ी पुराना ये बताया जा रहा है बकायेदारी, क्योंकि देखिए पुरानी है तभी ये रिकवरी लगातार जा रही थी, अगर नया होता है कोई भी तो इतनी जल्दी बैंक भी खाता एनपीए नहीं करती, लेकिन अब बैंक की प्रक्रिया भी जटिल हो गई है और जो रिकवरी की बात अगर सामने आ रही है तो जो सूत्रों के हवाले से जानकारी जुटाई गई है उसमें यही है कि इसके ऊपर काफ़ी लंबा बकाया था और ये काफ़ी टाइम हो गया था, यानी कि काफ़ी समय बीत चुका था, सिर्फ और सिर्फ इसको नोटिस की प्रक्रिया से ही इससे कहा जा रहा था। एक दो बार राजस्व की टीम घर भी जाती है तो कहता है कि ठीक है हमें समय थोड़ा और दे दीजिए, तो जिसके चलते इन्होंने 1 महीने का समय मांगा था, यानी कि जो बकायेदार है नैमिश मिश्रा, इन्होंने 1 महीने का समय मांगा था और 1 महीने से प्रियांशु 1.5 से 2 महीना बीत गया है, तो अभी तक इन्होंने कोई बकायेदारी का पैसा भी नहीं जमा किया था। और अगर बात करें जो नायब तहसीलदार ने खुद कहा है कि इसे जब पैसे के लिए कहा गया तो ये वहां पर कहने लगा कि मैं 10,000 तक बैंक को नहीं दूंगा पैसा, यानी कि पैसा होते हुए भी पैसा नहीं दे रहे थे। और आज ये स्वयं अपनी गाड़ी जो होंडा सिटी इसके पास कार है उसी से आया था तहसील में, मतलब इसी जो है बकायेदारी जब इसे वसूलने की बात की गई तो उसकी होंडा सिटी भी जो है तहसील में इसकी खड़ी है, वहां पर इसको रख लिया गया है और इसे हवालात में बंद कर दिया। प्रियांशु जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सीतापुर की सदर तहसील से, जहां पर जो जानकारी मिली है उसमें नैमिश मिश्रा नाम का एक शख्स है जो 2 फर्में चलाता था, मेसर्स खाटू श्याम ट्रेडर्स। इसकी होंडा सिटी की बात मैंने बताई आपको, वो इसकी होंडा सिटी भी जो है तहसील ने रख ली है, अभी फिलहाल कोई कार्रवाई उस पर नहीं की है, लेकिन उसकी तहसील में उसकी गाड़ी जरूर, उसकी होंडा सिटी खड़ी है। हाँ जब तक कहेंगे, क्योंकि कार्रवाई भी नहीं की है लेकिन उसकी गाड़ी खड़ी कर ली है और इसे हवालात में कर दिया। इसके परिजन भी वहां पर हैं, वो बात कर रहे हैं कि हम चाहे जमा कर दे पैसा, तो अभी कोई सुलह समझौता किसी प्रकार का नहीं हुआ है, सिर्फ उचित कार्रवाई की जा रही है जो दस्तावेजों के आधार पर चल रही है, क्योंकि इसे जब नोटिस दी जा चुकी थी, इसके वहां बताया गया कि कुर्की का भी आदेश राजस्व विभाग यानी कि सदर तहसील ने जो है जारी कर दिया था, कुर्की का आदेश भी केशव ग्रीन सिटी के लिए, तो उस पर भी इसने ध्यान नहीं दिया। इसी के चलते आज राजस्व विभाग ने कहा कि ऐसे बड़े बकायेदार जो भी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो बैंक विभाग बैंक के द्वारा रिकवरी के हों और चाहे विद्युत विभाग के, चाहे परिवहन किसी भी विभाग के हों, ये कार्रवाई की जाएगी और जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के निर्देश पर आज ये कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल, तो DM अभिषेक आनंद के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा बकायेदार जिसका नाम नैमिश मिश्रा पुत्र रामलोटन है, जो केशव ग्रीन सिटी का रहने वाला है और ये 2 फर्में चलाता है माफ कीजिएगा, मेसर्स खाटू श्याम ट्रेडर्स और मेसर्स लीला ट्रेडर्स, जिसमें खाटू श्याम ट्रेडर्स अपनी पत्नी अर्चना मिश्रा के नाम चलाता है और जो लीला ट्रेडर्स है नैमिश मिश्रा वो खुद अपने नाम चलाता है, जिसमें आपको बता दें कि दो जो अगर बकायेदारी की बात करें बैंक
ऑफ इंडिया की, तो 25,78,302 रुपया कुल बकायेदारी ये इस पर है बैंक ऑफ इंडिया की, और काफी लंबे समय से ये बैंक का पैसा नहीं दे रहा था, जिस कारण से ये कार्रवाई की गई है डीएम के निर्देश पर। और जो आरोपी है नैमिष मिश्रा, उसे सदर तहसील के जो है हवालात में बंद कर लिया गया है, और आगे की क्या कुछ कार्रवाई निकल कर सामने आती है वो भी हम आई इंडिया दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। इन तमाम जानकारियों के लिए निशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड, एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी नजर हमारी। खबर आपकी नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।